Good morning, guys. We just reached Bid and now we are walking towards our hostel. ये बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर था तो हम लोग चल के जा रहे हैं. हॉस्टल ने हमें स्कूटी प्रोवाइड कराई विच इज़ रियली नाइस. दिस इज़ द मेन हॉस्टल बट हम लोग यहाँ रुके नहीं हुए हैं. हम लोग जहाँ रुके हुए हैं वो ये जगह है. ये एक रूम है, इस प्रॉपर्टी में एक और रूम है एंड दिस इज़ द बालकनी. इट्स अ कॉमन एरिया बट इट सीम्स लाइक अ पर्सनल बालकनी. Look at the wall, the weather, the view. Weather is a little gloomy. It feels like it's gonna rain. We had a plan to go paragliding today, but I don't think it's gonna happen. बीड में हमारा पहला स्टॉप ब्रेकफास्ट के लिए. बहुत भूख लग रही थी. हॉस्टल में कुछ भी अवेलेबल नहीं था. यहाँ पे कई तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो. हॉस्टल की तरफ जाते हुए हमें ये पेड़ दिखे जो ब्लॉसम ट्री जैसे लग रहे थे लेकिन पास जाके पता चला ये ब्लॉसम ट्री नहीं है. यहाँ पे बहुत सारी रोज वाइन्स थी जो मैंने तो कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी क्योंकि बहुत सुंदर लग रही थी. लेकिन मौसम थोड़ा ख़राब हो चला है, बारिश होने वाली है तो हम अपने हॉस्टल वापस जा रहे हैं. आपको डॉग्स तो हर जगह मिलेंगे लेकिन पहाड़ों के डॉग्स सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं. ये हमारे साथ हॉस्टल तक आने वाला था लेकिन हमें लगा खो जाएगा तो हमने इसको वापस भेज दिया. यहाँ के रोड्स काफ़ी नैरो हैं और गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं तो ध्यान रखिए. बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और हम लोग हॉस्टल में बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो हम मार्केट के बीच में एक मॉनेस्ट्री थी वहाँ आ गए. हम लोगों ने एक्चुअली एक और हॉस्टल बुक कराया था जो कि मेडपैकर्स के नाम से. ये हमारा जो डॉर्म रूम है लेकिन हम लोग यहाँ रुकने नहीं वाले हैं क्योंकि हम लोग दूसरी जगह रुके हुए हैं तो यहाँ के जो पैसे थे वो वेस्ट हो गए और ये रूम भी वेस्ट हो गया. पर हमने सोचा चलो कुछ कर नहीं रहे तो यही चेकआउट कर लेते हैं. हमने पूरा सफाई वफाई करवाई यहाँ पर आके और थोड़ी देर चिल किया और वापस चले गए. ये हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा था. अगर आप लोग भीड़ में रहने का सोच रहे हैं तो मेडपैकर्स हॉस्टल को कंसिडर कर सकते हैं. बारिश थोड़ी कम हुई है लेकिन पैराग्लाइडिंग का कोई सीन नहीं चल रहा है. ये भीड़ का सनसेट पॉइंट है. अगर आप भीड़ आए हो तो इसका सनसेट बिल्कुल मिस मत करना. आई थिंक आज के दिन की ये सबसे बड़ी हाईलाइट है. ओके देन, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग. बाय.